हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अनीशा एंड ये है जीरो कैलोरी डाइट। आज मैं आपको मेरी बचपन की रेसिपी दिखाने वाली हूं। मेरी नानी ये मेरे लिए बनाया करती थी। काफ़ी साउथ इंडियन काइंड ऑफ रेसिपी है बिकॉज़ यू यूज़ कोकोनट ऑयल इन इट, लेकिन हम जीरो कैलोरी डाइट पर है तो वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ एनी कोकोनट ऑयल। वी विल बी यूजिंग ऑलिव ऑयल, लेकिन बाकी के जो वेजिटेबल्स हैं एग्जैक्टली द सेम। सो ये है कैबेज एंड टमेटो उपकरी। उपकरी इज़ अ वेरी साउथ इंडियन काइंड ऑफ अ डिश जो बेसिकली स्टीम्ड या बॉइल्ड वेजिटेबल्स के जैसे होते हैं। सो वॉट वी नीड इज़ कैबेज। हम एक पूरा कैबेज लेकर उसे स्लाइस कर लेंगे, श्रेड कर लेंगे। एक फुल चॉप्ड अनियन, दो स्लिट ग्रीन चिलीज, थोड़ा सा मस्टर्ड सीड्स और सॉल्ट, और हमें एक टमाटर की भी ज़रूरत पड़ेगी। नाउ वी विल स्टार्ट ऑफ बाई कटिंग सम टमेटोज। Let's just chop up some tomatoes. Tomatoes are rich in vitamin A. They help protect your skin from UV rays. So summertime tomatoes pe aap load up kare to aapka skin bahut safe rahega, damage nahi hoga sun se. Sometimes main agar kahin jaati hu beach wagera and if I get sunburnt, I come back home and I just take one slice of tomato and I rub it on my face and the sunburn just goes away. Okay, now hamara cabbage ready hai, onions bhi ready hai aur tomato bhi ready hai. Hum ise pakayenge ab. Ek kadhai mein aap zara sa olive oil dal dein. मैं हमेशा ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ कुकिंग के लिए, क्योंकि ऑलिव ऑयल डेफिनेटली बहुत हेल्दी होता है एंड इट हैज़ ग्रेट बेनिफिट्स, रिच इन विटामिन ई। सो इन कुकिंग ऑलवेज यूज़ लाइट ऑलिव ऑयल और रेगुलर ऑलिव ऑयल। अगर आप सैलड्स में यूज़ कर रहे हैं या तो फिर कोई डिश को गार्निश कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज़ कर लीजिए। उसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है एंड इट्स रियली पावरफुल, सो यू नीड टू कीप इट एज इट इज़। कुक करें तो उसका फ्लेवर चला जाएगा। तो अब हमारा तेल गरम हो चुका है, इसमें हम ऐड करेंगे मस्टर्ड सीड्स। थोड़े से मस्टर्ड सीड्स, लगभग एक टीस्पून। वेल दैट इज पॉपिंग अवे, मैं एक ग्रीन चिली स्लिट करके डाल दूंगी अंदर। मेरे कुकिंग में चिलीज बहुत यूज़ करती हूँ बिकॉज चिलीज मेक योर बॉडी रेज द टेम्परेचर। सो यू टेन टू ईट लेस बट यू जस्ट सैलिवेट अ लॉट मोर, सो आप पानी भी बहुत पीते हैं, सो दैट जस्ट फिल्स यू अप। एंड रेड चिलीज आर डेफिनेटली जीरो कैलोरीज। द कैप्सिन दैट मेक्स द चिलीज स्पाइसी, दैट इज जीरो कैलोरी। सो नाउ आर चिलीज ऑल्सो पॉपिंग विथ द मस्टर्ड सीड्स। हम इसमें अनियंस डाल देंगे अब। जेनरस विद द अमाउंट ऑफ अनियंस, काफ़ी स्वीट हो जाते हैं कुक होने के बाद, तो अनियंस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कुकिंग में। इसे थोड़ा सा स्टर कर लेंगे। इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक ये ट्रांसल्यूसेंट ना हो। अगर आप मसाले उसे ट्रांसल्यूसेंट होने से पहले डाल दें या जो भी डिश बना रहे हैं तभी आप अगर वैसे प्रिपेयर करें आपका डिश, तो अनियन का जो कच्चा टेस्ट होता है वो रह जाता है एंड इट्स नॉट वेरी प्लेजेंट ऑन अ कंप्लीट डिश लाइक दैट। सो अब हमारे अनियंस थोड़े ट्रांसल्यूसेंट हो चुके हैं। नाउ वी ऐड द टमेटोज। टमेटोज आर एक्सट्रीमली डिलिशियस। कि खट्टे होते हैं तो खट्टापन के लिए हम टमाटर यूज़ करते हैं, और ये डिश में भी हम खट्टेपन के लिए यूज़ कर रहे हैं। देयर इज़ नो लेमन जूस इन्वॉल्व इन दिस। एंड जब ये पक जाता है, व्हाट आई लाइक द मोस्ट, इसकी कैबेज ग्रीन होता है, थोड़ा विल्ट होकर सफ़ेद सा हो जाता है, लेकिन ये छोटे टमेटो के पीसेस रेड कलर लुक वेरी ब्यूटिफुल। मैं यूजली टमेटो और अनियन साथ में जब पकाती हूँ थोड़ा सा सॉल्ट डाल देती हूँ ताकि टमेटोज पल्पी हो जाए
लेकिन मैं इसमें ऐसे नहीं करने वाली हूँ. आई विल जस्ट ऐड द कैबेज एज इट इज. दैट शुड बी इनफ. नाउ कैबेज ऐड करने के बाद हम इसे स्टर नहीं करेंगे. हम इस पर थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे. And just cover it with a lid. हम इसे अब ढक देंगे और अपने ही स्टीम में कुक होने देंगे. मैंने नमक कैबेज के ऊपर डाला हुआ है क्योंकि आई वॉन्ट द वॉटर फ्रॉम द कैबेज टू कम आउट. तो आप जैसे ही नमक डालते हैं कोई भी वेजिटेबल या फ्रूट में भी अगर आप नमक डालें तो उसके जूसेस निकल आते हैं. सो दैट इज़ वॉट वी एग्जैक्टली वॉन्ट. नाउ आई डोंट वॉन्ट टू एड एनी मोर वाटर टू दिस, इसीलिए मैंने नमक लास्ट में डाल दिया है. सो आप देख सकते हैं इसका स्टीम ऑलरेडी आने लगा है एंड वी नो दैट इट्स कुकिंग. नाउ दिस इज अ रियली सिंपल रेसिपी. आई लव दिस रेसिपी क्योंकि बहुत ही लाइट है. इसमें ज़्यादा मसाले नहीं है, जस्ट एक ग्रीन चिली और थोड़ा सा मस्टर्ड सीड और अनियंस एंड सॉल्ट एंड टोमेटोज. जस्ट एड दिस रियली नाइस बर्स्ट ऑफ फ्रेशनेस जब वो थोड़े पल्पी हो जाते हैं एंड खट्टा भी होता है. So I like this just as it is with roti. या तो फिर मैं दाल या राइस के साथ खा लेती हूँ. थोड़ा सा फ़िश करी हो या थोड़ा सा फ़िश फ्राई हो जैसे मेरी नानी मुझे दिया करती थी. So this reminds me of her a lot. So I dedicate this to her probably and I know she must be really proud of it. Of course, थोड़ा प्यार दिखाने के लिए मेरी नानी थोड़ा कोकोनट भी डाल देती थी एंड she used to cook it with coconut oil. मैं तो ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ but I'm sure she's pretty proud of it. Let's see how it is. Looks really nice. कैबेज अच्छी तरह से स्टीम हो चुका है. उसका थोड़ा ग्रीन कलर भी रह गया है अब तक. आई थिंक इट्स टाइम टू सर्व. लेट्स जस्ट क्लियर दिस आउट. This looks really nice. I'm pretty sure मेरी नानी बहुत proud feel कर रही होंगी अभी. Now cabbage is one of my favorite vegetables. बहुत ही underrated है क्योंकि बहुत simple सा दिखता है but इसके benefits बहुत सारे हैं. It's rich in vitamin A, so it's perfect for healthy skin and eyes. Vitamin C भी है इसमें, so it helps burn fat. And vitamin B, which increases your metabolism. So technically ये dish और ये vegetable weight loss program में definitely include करना चाहिए. So here is my tomato and cabbage uppkari. बहुत ही simple है. Don't go by its looks but it's very delicious. And ये मेरी नानी का favorite है, ये मेरा favorite है, बचपन का recipe है मेरा, तो it's very close to my heart. So you guys go and take a recap and note down the ingredients and I'm right here waiting for you. कैबेज एंड टमाटो उपकरी बनाने के लिए हमें चाहिए एक कप श्रेडेड कैबेज, एक फाइनली चॉप्ड अनियन, एक टमाटो, दो बारीक कटी हरी मिर्च, एक टीस्पून मस्टर्ड सीड, नमक स्वादानुसार और ऑलिव ऑयल. कैबेज एंड टमाटो उपकरी बनाने के लिए सबसे पहले टमाटोज को स्मॉल पीसेस में काट लेते हैं. अब एक कढ़ाई में ऑलिव ऑयल को गर्म करते हैं और उसमें मस्टर्ड सीड्स और कटी हुई हरी मिर्च डाल दें. इसके बाद अनियन और टमाटर डालकर अच्छी तरह पका लें. अब बारीक कटे कैबेज और सॉल्ट डालते हैं. इसके बाद कढ़ाई को कुछ देर के लिए ढक देते हैं. लीजिए, तैयार है आपका कैबेज एंड टमाटो करी. इसे बोल में डालकर गर्मा गर्म सर्व कीजिए. आई होप आपको मेरा रेसिपी पसंद आया हो एंड आई होप आपने इंग्रेडिएंट्स भी नोट डाउन कर लिए हैं. दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट रेसिपीज एंड आई प्रॉमिस मैं आपके लिए और भी जीरो कैलोरी रेसिपीज लेकर आऊँगी ऑन दिस शो विच इज़ जीरो कैलोरी डाइट. सो दिस इज़ मी अनीशा साइनिंग ऑफ. अंटिल नेक्स्ट टाइम देन स्टे फ्रेश. Like, share, subscribe for more such informative videos.